ये ऑटो फोकस होता है ना। चलो बैठो जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है? इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है। इसकी कर्व कुछ यूं होती है, जिधर को इसका कर्व ओपन है उधर को उसके फोकाई होते हैं, एक फोकस ये एक फोकस ये है। इसका डाटा बड़ी जल्दी से लिखा जाना है क्योंकि इलिप्स का आपने लेक्चर लिया हुआ है। जो आपने इलिप्स का डाटा पढ़ा हुआ है ना, सेम सेम इसी का डाटा है, सिर्फ उसमें चेंजेस जो आनी है, इसकी कर्व चेंज है, इसकी डेफिनेशन चेंज है, और कुछ जो चीजें बीच में से चेंज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो इसेंट्रिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन वन। ये दो फोकस हैं। इसके साथ साथ मैं एलिमेंट्स भी लिखता जा रहा हूं जी। इसके एलिमेंट्स क्या होता है? सी जीरो, और इधर क्या होता है? माइनस सी जीरो। दो फोकाई होते हैं और दो इसके वर्टिसेस हैं, जहां पे ये कर्व एक्सिस को कट करके जा रही है उसे ए और ए डैश कह लें। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भला? ए जीरो। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? माइनस ए जीरो। इसके डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होते हैं बच्चों? इधर देखें जरा, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइंस है, जिसको हम डायरेक्टरा भी कहते हैं, दोनों को अगर इकट्ठा पढ़े तो। ये आपके पास दो इसके डायरेक्ट्रिक्सिस हैं और इनकी इक्वेशन भी सेम हमने जो पढ़ी हुई है। अगर इसको मैं लिखूं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है सुनो, इधर इलिप्स में अगर आपको याद हो, दो वर्टिसेस होते थे और दो को वर्टिसेस, दो वर्टिसेस होते थे और दो को वर्टिसेस होते थे, दो वर्टिसेस दो को वर्टिसेस। इसमें जो को वर्टिसेस है ना इसके, वो इमेजिनरी है, होते हैं लेकिन इमेजिनरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, और इसी वजह से जिस एक्सिस के ऊपर फोकाई और वर्टिसेस लाई करते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं इसको, नहीं इसको हम नाम देंगे, ये जो एक्सिस होता है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये नाम दे, उसके लिए हमने यूज किया था वर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें हम पर्टिकुलरली क्या यूज करते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है इसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि ये इमेजिनरी होता है, इसके ऊपर आपको नजर आ नहीं रहे, आपको नजर नहीं आ रहे को वर्टिसेस, इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? और सुनो, लिखना छोड़े एक मिनट, अगर आपको याद हो इलिप्स वाले केस में, इधर देखें, ये इलिप्स कर्व है, ये इलिप्स कर्व जहां पे एक्सिस को कट करती है ना, सिमेट्रिक एक्सिस को, उसको हम कहते हैं वर्टिसेस, और इसको हम क्या नाम देते थे? को वर्टिसेस। इस केस में को वर्टिसेस नहीं है लेकिन होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इस वजह से इस एक्सिस का नाम क्या पड़ जाता है? या कॉन्जुगेट एक्सिस, या आप वर्ड यूज करें आपकी बुक में ना, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहा गया है, इमेजिनरी की बजाय कॉन्जुगेट एक्सिस लिखे। वो समझे हो मेरी बात? बाकी सारे एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, सारा डाटा सेम है जी। क्या था याद करो जरा, सबसे पहले फोकाई लिखवाना, और लिखने से पहले मैं ऐसा हाइपरबोला आपको पढ़ा रहा हूं जिसका सेंटर किधर है? ये सेंटर जीरो जीरो है। अगर मैं दूसरी कर्व भी ड्रॉ कर लूं साथ ही, जिसमें हम कहते हैं इसको मैं हॉरिजेंटल भी कह देता हूं, इसको मैं वर्टिकल का हिसाब से याद करवा दूंगा आपको कि ये वर्टिकल हाइपरबोला, या आप यूं कह लें जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, ये कर्व है। देखिएगा, ये देखिए, वो देख रहे हैं? ये देखेंगे, ये आपके पास ज्यादा ही हो गए, ये आपके पास फोकस है, इधर फोकस है जी। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे भला? जीरो माइनस सी नीचे को है, ये क्या होगा? जीरो सी, जीरो माइनस सी और जीरो सी। और यहां पे इसके दो क्या हैं भला? डायरेक्ट्रिक्स लाइन, एक
और ये दो, इसकी इक्वेशन क्या होंगी, y इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर, y इज इक्वल टू सी माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। सेम उसी तरह ये इसके वर्टिसेस हैं, ये a है और ये a डैश है, तो a के वर्टिसेस क्या है, जीरो a और जीरो माइनस a, और ये इलिप्स की तरह है, डाटा सेम है, जो इलिप्स का डाटा था ना वही इसका सारा डाटा है। अब इसकी सारी चीजें लिख ली हमने जी, लिखवाएं जरा फोकाई लिखवाएं जी बच्चों, प्लस माइनस सी जीरो, ये कब है भला, जब सेंटर, और जब सेंटर रीजन पे नहीं है, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, प्लस माइनस सी प्लस एच जीरो प्लस के, कोई सेम उसी तरह यार, हाँ जी वर्टिसेस इसके जी लिखवाएं जरा, वर्टिसेस लिखवाएं, प्लस माइनस ए जीरो उस वक्त जब ओरिजिन पे नहीं है, तो जब ओरिजिन पे नहीं है उस वक्त एच ऐड कर दें, इसमें के ऐड कर दें, इसी तरह को वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस बी, इसमें क्या होगा, जीरो प्लस एच प्लस माइनस बी प्लस के। उसके बाद इस एंट्रीसिटी क्या फार्मूला होता है, सी ओवर ए सेम। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स लाइन जी, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और दूसरे केस में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर प्लस एच, और डाटा लिखो है जी इसका। अगर आपको याद हो इलिप्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों केसेस में, इसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं होना होता, आपको पता है एच के का कोई चक्कर नहीं होता, तो ये बात समझ आई है। yes, इसी तरह बच्चों इधर इसकी एक डेफिनेशन होती है, जिस तरह इलिप्स की डेफिनेशन थी अगर आपको याद हो, पी एफ और पी एफ किसके इक्वल था, ये किस, ये क्या होता है, पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए, ये प्लस माइनस टू ए के इक्वल होता है। ये किसकी डेफिनेशन है भला, हाइपरबोला की, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम फोकाई इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस, या इसको आप ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ भी कह सकते हैं, और तो समझ आ गई है, ये प्लस में निकलेगा या माइनस में निकलेगा। इसी तरह इसकी एक इक्वेशन होती है, इसकी मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं, इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूं बच्चों, इधर नजर आ रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो कंडीशन ऑन a एंड b, a और b पे कोई कंडीशन नहीं है। उसमें क्या होता था अगर आपको याद हो, एलिप्स में a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, और इसमें ग्रेटर हो लेसर हो कुछ भी हो, ये बात याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसी तरह इसमें कुछ और पॉइंट्स जो वैलिड होते हैं वो सेम है, वो सारी बातें सेम है, क्या भला, दोनों फोकाई के दरमियान फासला 2c है, दोनों वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a है, दोनों को वर्टिसेस के दरमियान जो कि इधर नजर नहीं आ रही इमेजिनरी है ना वो 2b है, वो सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। दोनों फोकाई का जो मिड है वो सेंटर है, दोनों वर्टिसेस का जो मिड है वो सेंटर है, दोनों कोवर्टिसेस का जो मिड है वो सेंटर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अब इसका डाटा लिखवाएं जरा मुझे जी बच्चों, इसका डाटा लिखवाएं, सबसे पहले तो इसका फोकाई लिखवाएं, हाँ जी फोकाई लिखवाएं जरा इसके, हाँ जीरो प्लस माइनस, जीरो प्लस माइनस सी, और जब ये इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है जीरो प्लस एच प्लस माइनस सी प्लस के, हाँ जी हाँ जी। आगे वर्टिसेस लिखवाते जाएं जरा, हाँ जीरो प्लस माइनस ए, और जब नहीं है ओरिजिन पे
जीरो प्लस एच प्लस माइनस ए प्लस के। इसी तरह कोवर्टिसेस प्लस माइनस बी जीरो, और ओए इसके प्लस माइनस बी जीरो कैसे हैं? ये लेक्चर उस बच्चे को समझ में आना है जिसने इलिप्स समझा हुआ है, इलिप्स के, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में वो जो होता है ना कि साथ साथ वो इलिप्स में मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। अब सिर्फ हमने डाटा लिखना है, और ये क्या है जी, प्लस माइनस बी प्लस एच जीरो प्लस के। इसी तरह आगे इसेंट्रिसिटी सेम सी ओवर ए, और डायरेक्ट्रिसिस या डायरेक्ट्रा, हाँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और इस केस में y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर प्लस k, या ये होगी या ये होगी, वो डिपेंड करेगा कि सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं है। इसी तरह इसके अंदर भी फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेफिनेशन इस पे भी वैलिड है, कौन सी, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसिस फ्रॉम फोकाई प्लस माइनस टू ए। इसी तरह इसकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर, इधर 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 ये बात सुनने वाली, इलिप्स में अगर उसका सिमेट्रिक एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता जिसको आपने हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहा था, उस केस में हम कहते थे कि जो बड़ा नंबर है ना उससे हमें पता चलता है ए जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे था। इसमें कैसे पता लगता है, इसमें हमें पता लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव से। इधर पॉजिटिव कौन है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। और अगर ये देखना बच्चों इधर y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, मैंने किसको चेंज किया है, मैंने नीचे वालों को पे कोई कंडीशन है ही नहीं, मैंने सेम रखे हैं वो, मैंने चेंज किया x स्क्वायर और y स्क्वायर को। पहले ये पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो गया, x स्क्वायर पहले पॉजिटिव था इसमें इसमें नेगेटिव हो गया, और अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो फिर y माइनस k होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके हो गया, क्या रह गई है भला, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। लो जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस पहले इसकी लिखते हैं, क्या थी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, भूल गए आप, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थी भी इसकी जी, ये भी पेपर के एमसीक्यूज ही हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस इसके लिए x इज इक्वल टू ए सेकेंट थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा इस केस में, और अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो फिर बोलो व्हेन सेंटर इज Not at 0, 0. X is equal to a secant theta plus h और y is equal to a sorry b tan theta plus k। और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जी लिखवाइएगा जरा जी बच्चों, पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक इक्वेशंस, हाँ x इज इक्वल टू b tan थीटा, y इज इक्वल टू a secant थीटा, और इस केस में जब सेंटर ओरिजिन पे ना हो उस केस में x इज इक्वल टू b tan theta plus h और y is equal to a secant theta plus k।
ये बात समझ आई है? इसी की दो तीन बातें और सीख लो जरा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के बारे में बात चल रही है तो हम जरा सीख ही लें। इसके दो एक्सीज होते हैं, सॉरी एसिम्प्टोट्स होते हैं। ऐसी लाइन, ये इसकी बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चलती है, इसके हाइपरबोला के साथ साथ चलती है, दिस लाइन इज नोन एज एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का लेक्चर भी मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है, आपने देखा भी होगा, ये एनईटी वालों ने समझा भी हुआ है। ये भी एक एसिम्प्टोट है, ये देखें जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, ये डॉटेड लाइंस जो हैं, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कर्व के एसिम्प्टोट्स हैं ये दो, ये दो हाइपरबोलिक कर्व के एसिम्प्टोट्स हैं। ये बात समझ आ गई बच्चों एसिम्प्टोट्स की? इसी तरह इसके भी दो एसिम्प्टोट्स होंगे। हेलो वाजी साहब, क्लास में हूं। ओके ओके जी, ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? बोलो ना। अच्छा जी, एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं ये आगे चलकर वैसे मैं बता भी दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो आज का डाटा बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? इलिप्स से। तो इलिप्स से रिलेट करता है और हमने इन चीजों को याद कर लिया, इलिप्स से रिलेटेड ही था सारा का सारा डाटा, वो समझे हो? इसी तरह इसके दो एसिम्प्टोट इसके भी लगा ही दो। ये जो हाइपरबोला के एसिम्प्टोट है ना, वो कहां से पास कर रहे हैं? सेंटर ऑफ हाइपरबोला से। ये डॉटेड लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, दीज लाइन आर नोन एज एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ओके, एक्सिस की इक्वेशन नहीं आपने लिखी इसमें, एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस है और इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू जीरो और इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। ये था जी आपका हाइपरबोला, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन है। अब हमें क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल जस्ट लाइक एलिप्स, उस पे आते हैं हम एक्सरसाइज पे। आ जाओ जरा, डाटा तो उसके जैसा ही था ना, तैयार हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल इलिप्स की तरह। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मुझे बताएं जरा बच्चों। इधर सबसे पहले इलिप्स की तरह हमें पता क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं। इधर सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं। अगर तो सेंटर ओरिजिन पे हो तो ये इलिप्स की तरह, सेम मैंने जैसे बात बताई थी कि हमें डायरेक्ट फोकस में से सी मिल जाता है और वर्टेक्स में से ए मिल जाता है और उसके बाद हम ये जानते हैं सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये 36 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्केयर, बी स्केयर इज इक्वल टू 20, तो बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 20, ये आपके पास बी आ गया। और हमें क्या पता होना चाहिए? और हमें पता होना चाहिए कि ये हाइपरबोला कौन सा है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है या y एक्सिस है, ये पता होना चाहिए। ये किससे पता चल रहा है हमें? फोकस और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, x एक्सिस पे है, तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला। क्या इक्वेशन बनेगी बताएं जरा, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, खुद बताया उसने,
हाँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 20 इज इक्वल टू वन। अच्छा, इसमें जरा फोकस करें, और ये नंबर लेस देन 20 है, लेकिन फिर भी ये हॉरिजॉन्टल, वो जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है इसका, बिल्कुल। तो ये इस कंडीशन से नहीं पता लगता, इन नंबरों से नहीं हाइपरबोला का पता लगता, वो इससे पता लगता है एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर नेगेटिव है। समझ आई है? सेकंड पार्ट पे देखिए सर, सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, फोकाई बोले प्लस माइनस 50 और वर्टिसेस 30, इधर 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 इधर, मुझे बताएं ये फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है, इलिप्स पड़ा हुआ है, बार बार मैंने इलिप्स का रेफरेंस देना है जी। वर्ट सेंटर किधर है इसका? ओरिजिन पे, इसे डायरेक्ट सी मिल गया, वर्टेक्स में से ए मिल गया, फॉर्मूला गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 4, रिक्वायर्ड इक्वेशन जी। ओ मरो भी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही क्यों लगी भला? ओए फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखो, ओए फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या शो कर रहे हैं कि फोकस किधर है? एक्स एक्सिस पे, फोकाई किधर है? एक्स एक्सिस। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, को समझे हो? काफी है दो पार्ट है? अच्छा, तो मैंने भी माइनस ही लिखा हुआ अन्ने का, तुम टाइम रहता है, ये हो गया टाइम, थोड़ा पड़ा है आज हमने, चले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बात करें।